गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट टू दोस्तों फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी एज वेल एज कंप्यूटर्स एंड फॉलोड बाय जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशनस के अंदर आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा सो लेट एस स्टार्ट दैट इज़ पार्ट टू सो इफ यू वॉन्ट पार्ट वन यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू आप प्ले में जाके चेक कर सकते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या वीडियोस हैं फिज़िक्स के बारे में द नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस आर मैग्नेटिक फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये तीनों जो है नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्सेस है दोस्तों ये इस तरह का नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्सेस आप देख सकते हैं और जो कॉन्टेक्टिंग फोर्सेस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो किस हिसाब से कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस क्या है आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एक फ्रिक्शन फोर्सेस है जो कि स्लाइड होता है और एक किस्म का कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस है दोस्तों और व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन दैट इज सेट टू बी कंप्लीटली इनस्टिक देखिएगा जब कोई भी टू बॉडीज आपस में स्टिक टुगेदर हो जाता है आफ्टर द कोलिजन वो कैसे हो जाता है वो कंप्लीटली इन हो जाता है वेन द वलासिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड देन जब वालासिटी ऑफ़ द बॉडी डबल हो जाता है उसके बाद क्या होगा इट्स कैनेटिक एनर्जी वी क्वाट्रपल्ड एंड द मोमेंटम इज डबल्ड जो उस टाइम पे जब दोनों वालासिटी ऑफ द बॉडी जब बढ़ा दोगे डबल देन उसका जो कैनेटिक एनर्जी में क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर में वी टू वी हो जाता है तब वो टू वी स्क्वायर क्या होगा क्वाट्रपल हो जाता है और मोमेंटम भी साथ साथ डबल हो जाता है जो कि मास इंटू वेलासिटी होता है उसके अंदर वालासिटी अगर टू भी हो जाता है तो उसका जो मोमेंटम है वो डबल हो जाता है तो यहाँ पे जो भी दिया गया है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस टू सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ दे मस्ट हैव द सेम स्पीड जो दो सैटेलाइट्स जो कि सेम सर्कुलर आर्बिट अराउंड द अर्थ घूमता है वो सिंक्रोनाइज होता है साथ साथ धरती के साथ उनका जो स्पीड है बराबर होता है तभी वो एक साथ घूमते हैं द इंटेंसिटी ऑफ एर्ट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट द पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एर्स ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम आपको पोल्स में देख देखने को मिलता है यानी सेंटर ऑफ द अर्थ वहाँ पे एकदम शून्य हो जाता है दोस्तों द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ एज एन ऑबिटल स्पीड दैट इज ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 24 फोर आवर्स जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं उनका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो 24 घंटे के लिए होता है वो द एस्केप वैसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ डजेंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ़ द वलासिटी मास ऑफ द बॉडी कोई भी वस्तु होता है उसका जो मास पे इंडिपेंडेंट होता है जैसे कि वो कितने भी मास हो उसका जो एस्केप वेलासिटी ऑलवेज एलेवन किलोमीटर पर सेकेंड होगा और वो इतनी रफ्तार से उसको धरती से बाहर भेजना पड़ेगा जिसकी वजह से वो टेक ऑफ हो जाता है 11.2 किलोमीटर पर आर स्पीड से वो पर सेकंड स्पीड से वो टेक ऑफ करना पड़ेगा और वो कितना भी मास हो ए गर्ल इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन द सिटिंग पोजिशन हाउ विल द पीरियड ऑफ स्विंग भी अफेक्टेड इफ शी अप आप झूला झूलते वक्त देखे होंगे एक लड़की बैठ के अगर झूला झूल जुल रही है और वो एक खड़े होकेट जेल रही है तो उसमें क्या अंतर होगा जब वो खड़ा हो जाएगी तो उसका जो पीरियड विल नाउ बी शॉर्टर तो वो एकदम पहले अगर वो तीन सेकंड में वो मतलब ऐसे घूम रही है उसमें ऐसे झूल रहा है अब वो एकदम खड़ा हो जाता है उसका जो टाइम पीरियड है धीरे धीरे से कम हो जाता है यानी उसका रफ्तार बढ़ जाता है और उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है अब बात आता है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है पास्कल्स प्रिंसिपल होता है जिसमें ऑल अराउंड द फोर्सेस एकदम बराबर होता है आप एग्जाम्पल पास्कल्स प्रिंसिपल का आप एक साइड से हर साइड से आप उसका होल करेंगे तो इक्वल प्रेशर आपको उसमें जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपको जो प्रेशर है वो एकदम बराबर देखने को मिलता है अब बात आता है दोस्तों एस्पेरिकल बाल मेड ऑफ स्टील वन ड्रॉप्ड इन ए बकेट फुल ऑफ मर्क्यूरी जो स्पेरिकल बॉल है वो स्टील से बना हुआ है दोस्तों और उसको अगर बकेट फुल ऑफ मर्क्यूरी में ड्रॉप करेंगे वो क्या होगा फ्लोट करेगा यहाँ पे मर्क्यूरी का इतना ज़्यादा डेंसिटी है जो कि उस स्टील से बना हुआ बॉल भी उसमें से फ्लोट करना शुरू करेगा बस यही यहाँ का कहने का मतलब यानी डेंसिटी जो है मर्क्यूरी का ज़्यादा होता है उस बॉल से ज़्यादा अब बात आता है दोस्तों केमिस्ट्री का साइनेट प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जो कि सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए साइनेट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम डजन डीकम्पोज इन कोल्ड वाटर जो भी मैग्नीशियम है वो डिकम्पोज नहीं होता है कोल्ड वाटर के अंदर द एलिमेंट इज़ यूज इन स्टोरेज बैटरीज जो कि हम लोग स्टोरेज बैटरीज के अंदर लेड का इस्तेमाल करते हैं अगर आप कार बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों केमिकल केमिकली वर्मिलन इज दैट इज मर्क्यूरी एक केमिकली वर्मिलियन के नाम पे बोला जाता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रूप में देखने को मिलता है और ये एडहेसि नेचर देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स में और बात आता है दोस्तों डायमंड एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है साथ में आप कार्बन का अलग अलग एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है जो कि डायमंड ग्राफेट और बकमिनिस्टर पुलरिन अब बात आता है दोस्तों मिस्क मेटल के नाम पर एनलॉय ऑफ लैंथनाइड्स मेटल्स जो कि एक मिस्क मेटल है एक एलॉय है लैंथनाइड्स मेटल का अब बात आता है अगला द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज इन द फोटोग्राफी जो कि फोटोग्राफी के अंदर एज ए हाइपो का इस्तेमाल किया जाता है सोडियम थाफाइट और फोटोग्राफ के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है द केमिकल नेम ऑफ क्विक क्लाइम क्विक क्लाइम का दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि केमिकल नेम ऑफ क्विक क्लाइम दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड सी ए द आयरन ऑप्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस से जो ऑप्टेन होने वाली जो आयरन को हम लोग पिग आयरन कहते हैं और आपको पता होना ज़रूरी है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो कि रॉट आयरन होता है दोस्तों द आयरन ऑप्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस जो कि सेम सवाल है दोस्तों पिग आयरन है दोस्तों अगला देखिए बायोलॉजी के सवाल द नेम नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने स्टेट किया है मैटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं वो है आल्बर्ट आइंस्टाइन बाकी बॉयल्स लॉ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप जानते हैं एंटनी लोइर मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कह सकते हैं जिन्होंने ऑक्सीजन का फॉर्मूलेट किया है और एवेगाड्रोज नंबर आप जानते हैं एवेगाड्रो ने फार्मूलेट किया है दोस्तों जो कि मिस्क मेटल जो है वाइडली हम लोग मैनुफेक्चर ऑफ सिगरेट लाइटर्स के अंदर इस मिस्क मेटल का इस्तेमाल किया जाता है बाकी स्मोक सेंसर्स स्मोक डिटेक्शन में क्या होता है इमरजेंसी लाइट्स में क्या होता है ये आप नेट पे चेक कर सकते हैं अमोंग द गिवन न्यूट्रिय मिल्क इज ए पूर सोर्स ऑफ वाइटामिन सी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आप वाइटामिन बी ट यानी कोओ मिल्क के अंदर हैनकोबालामिन देखने को मिलता है पर वाइटामिन सी ओनली साइट्रिक फ्रूट्स में देखने को मिलता है और कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये सब आप मिल्क के अंदर पाया जाता है हु अमॉंग द फॉलोइंग प्रपोज द आटम इज़ इंडिविजिबल आटमिक थ्री जॉन डेल्टन ने फॉर्मुलेट किया दोस्तों और वो एक इंडिविजिबल थिंग है और बाकी रूतरफर्ड क्या है अवेगैड्रो क्या है आप जानते ही हैं कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ मास एंड चार्ज बोथ जो कि कैथोड रेस के अंदर आपको स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है जिनके अंदर मास और चार्ज दोनों होते हैं दोस्तों द थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन एटम वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीन आपको बेसिक कॉम्पोनेंट्स आटम के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों द वर्ड इन्जोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलार रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे इन्जोलेशन का मेन क्या है मीनिंग यहाँ पे इनकमिंग सोलार रेडिएशन को हम लोग इस तरह का इन्जोलेशन नाम दिया गया है दोस्तों यानी इनकमिंग सोलार रेडिएशन आटम्स आर कंपोज ऑफ जैसे कि मैंने बताया था आटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियन देखने को मिलता है और प्रोटॉन साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द आइटम घूमते रहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर जो कि इस कॉन्सेप्ट को जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे किसने इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया है प्रपोज किया है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग इन पूरा चारों साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना अनिवार्य है अब मेज़ोन जिसको न्यूक्लियर पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑल न्यूक्लियंस टुगेदर यही मेजोनस की वजह से वो होल्डिंग टुगेदर इस थीरी को डिस्कवर करने वाला युकावा दोस्तों इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा अब कंप्यूटर्स में देखा जाए हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड जो कि ये जो भी हार्ड डिस्क ड्राइव्स है दे आर कंसिडर्ड एज नॉन वॉलेटाइल दोस्तों द प्लेस वेयर कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसड इंफॉर्मेशन दे आर हेल्ड टेम्परली जिसको हम लोग रैम कहते हैं यानि रैंडम एक्सेस मेमोरी अब रोम यानी रीड ओनली मेमोरी जो कि पर्मानेंट नेचर का होता है दोस्तों रैम के अंदर टेम्परली देखने को मिलता है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टार्स जिसको हम लोग ट्रैक फॉर्मेटिंग कह सकते हैं जिसमें डिस्क इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स देखने को मिलता है डी यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है एक एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है दोस्तों द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क ड्राइव है दोस्तों एक ऐसा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो कि हेल्प टू स्टोर इन इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है द डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्ज प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निश योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटरीज जब पावर चले जाता है एज ए सर्ज प्रोटेक्शन आप देख सकते हो यू यानी एस यानि पावर सप्लाई ये एक सर्ज प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हो एक बैकअप की तरह आपको यू कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ये डिस्क ड्राइव इज़ ए हार्डवेयर यूज टू रीड डिस्क यहाँ पे एक डिस्क ड्राइव है एक हार्डवेयर की तरह यूज़ होता है टू रीड द डिस्क द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम जो कि बिट्स में हम लोग मेजर करते हैं एक बाइट में आठ बिट होता है एक निबल के अंदर चार बिट होते हैं दोस्तों ए प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं अलगरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अलगरिदम यानी एक ऐसा प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ये सिंटैक्स कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन अलगरिदम जिसको हम सेंटैक्स कहते हैं एक ऐसा स्पेसिफिक रूल्स है दोस्तों और दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन अल्गारिदम अब जनरल नॉलेज में देखा जाए दोस्तों मल्लिका सारा भाई ये क्लासिकल डांस का काफ़ी अच्छी डांसर है दोस्तों मल्लिका सारा भाई बाबा आमटे एक फेमस सोशल वर्कर है दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोलंबस ऑफ द स्पेस एज यूरी गरन को इस तरह से कोलंबस ऑफ स्पेस एज के नाम पे जाना जाता है और एक्चुअल नेम स्पाइडरमैन स्पाइडर मैन का एक्चुअल नेम जो है उनकी मूवी में पीटर पार्कर आप जानते हैं स्पाइडर मैन का जसपाल राणा इज द नेम एसोसिएटेड विथ शूटिंग अच्छा शूटिंग कर लेता है दोस्तों जसपाल राणा हु डिस्कवर्ड द एक्सरेज डब्ल्यू के रॉयजन जो है एक्सरे का खोज करने वाला साइंटिस्ट है दोस्तों हरिप्रसाद चौरासिया एक रिनॉर्ड प्लेयर है फ्लूट अच्छा बजाता है दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम का अच्छे डांसर है दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कूचिपीड़ी ये आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है और भरतनाट्यम कहाँ का, का क्लासिकल डांस है और कूचिपीड़ी कहाँ का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फर्स्ट अर्थ समित वॉज हेल्ड रियो डी जेनेरियो सबसे पहला अर्थ अर्थसमित जो कि ब्राज़ील में हुआ था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आप कहाँ देखने को मिलेगा करनाल में ये नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है ये खुल सवाल हमने डिस्कस करने की कोशिश की है इस तरह का हम लोग खुल मिला के पचास सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे हर पार्ट में और हर पार्ट हम अप लोगों को अपलोड करेंगे और ये मैक्सिमम आपको ट्वेंटी तक डिस्कस करेंगे उसके बाद भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं दोस्तों थैंक यू हैव ए गुड डे हैव हैवे ग्रेट लाइफ